गाइस, अगर आप अभी के टाइम पे प्ले स्टोर पे फ्री फायर सर्च करेंगे तो फ्री फायर नहीं आ रहा है, उसकी जगह पे फ्री फायर मैक्स आ रहा है। और प्ले ऐप में भी अगर सर्च करेंगे तो फ्री फायर नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा है ये? तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि काफ़ी सारे बंदों के गेम नहीं चल पा रहा है, उनके गेम में कुछ प्रॉब्लम इशू हो रही है, एयरटेल सिम से गेम नहीं चल रहा है, नेटवर्क इशू कुछ बता रहा है। तो इस वीडियो में देखते क्या है। और तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप देख लीजिए। हेलो, एयरटेल में आपका स्वागत है। प्रीपेड सेवाओं के लिए एक दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं सरकार के निर्देशानुसार काफी एप्स ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसके कारण अब आप ये एप्स डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। असुविधा के लिए हमें खेद है। गाइस, क्या आपने यहाँ पे सुना कि सरकार द्वारा काफ़ी सारे ऐप्स यहाँ पे ब्लॉक कर दिए गए हैं, इसमें से हमारा फ्री फायर भी आ गया है? और ये क्यों आया है इस वीडियो में हम देखते हैं। अगर आपके पास एयरटेल सिम है और उस पर 198 पे कॉल करते हैं तो बता रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है, इसमें से हमारा फ्री फायर भी है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले एक और आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, वो क्लिप आप देख लीजिए। फ्री फायर गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया, इसलिए वो काम नहीं कर रहे थे सर। तो कब तक चालू सर, को सबको पता? आप तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो काम नहीं करेगा सर। कभी नहीं काम करेगा सर। जियो के सिम क्यों चल रहा है? अगर देखिए, आज ही बैन कराया तो प्रोसेसिंग में, अगर कुछ जगह चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा सर। ओ सर, तो सर कोई बैन नहीं है इसका? नहीं सर, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। कुछ भी आप यहाँ पे सोचो, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है, और यहाँ पे कस्टमर सर्वर में भी यही बताया जा रहा है। और गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे बता रहे हैं कि क्रैप्टन की वजह से गरीना को कॉपीराइट का स्ट्राइक पड़ गया है, जिसकी वजह से प्ले स्टोर से फ्री फायर हट गया है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर पे पेटीएम का भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था 1-2 साल पहले, इसमें प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था, फिर कुछ दिनों बाद वही वापस आ गया था प्ले स्टोर पे। फ्री फायर के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है गाइज, 1-2 दिन में देखते हैं कि फ्री फायर अगर प्ले स्टोर पर नहीं आया है तो फिर पता चल ही जाएगा कि बैन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जब पबजी बैन हुआ था तो VPN की यूज़ करके हम उसे खेल पा रहे थे, पर फ्री फायर जिस जिसके बंदे के पास अभी भी नॉर्मल फ्री फायर है वो अभी भी इजीली गेम खेल रहे बिना VPN यूज़ किए बिना। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे बता सकते हो कमेंट। गाइस, एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत करीब आ चुके हैं और गिव अवे भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब के बटन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट न्यू वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।